बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिकर के नए जाविये, नए अंदाज, इस्लामी निजामे सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम आप तक पहुंचाने के लिए आपका मेजबान, आपका तबीब, आपका मौलिज हर्बलिस्ट नैचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैरवी बज़्मे महरवी में आपको फिर से खुश आमदीद कहता है। आज दोस्तों आपसे बात जो होने जा रही है वो है गिलर्ड ग्वाइटर की बीमारी, जो गले के नीचे आपको एक नया नेक सा बना हुआ आपको नजर आता है, दूसरों में दिखाई देता है, और उसकी वजह से आगे कई सारे मसाइल और मरीज के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, बहुत ज्यादा दिग्गज जो हार्मोन फंक्शंस हैं उसके वो खराब हो जाते हैं और उसका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नाकारा होना शुरू हो जाता है और कई बीमारियों का मरीज जो है वो मजमुआ बनता है। इसका बेहतरीन इलाज तिब्बे नबी के अंदर, तिब्बे कुरानी के अंदर, हमारी जो ईस्टर्न मेडिसिन है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन हम आदत से मजबूर कह लें या हम आदि हो चुके हुए हैं कि हमने अंग्रेजी दवाइयां लगातार खानी और कब्र तक खानी है। बल्कि बंदा दुनिया से चला गया होता है, दवाइयां उसकी जो है वो बची पड़ी होती हैं और फिर वो घर वालों को समझ नहीं आती कि आप ये दवाइयां किस रोग का करें। सो ऐसा जो है वो तरीका इलाज अपनाए जिसमें आपको मुख्तलिफ मसाइल बीमारियों से जान छूटे, आपको दवाइयों से जान छूटे, आपको परहेज करने से निजात मिले और आप एक नॉर्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके। ये मुमकिन है क्योंकि इसके लिए अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला फरमा चुके वनुनज़िल मिनल कुरान मा व शिफा व रहमतुल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। सो उस पॉइंट से ये कहना या समझना कि इन बीमारियों का इलाज ही हुई और ये समझना कि सारी जिंदगी अंग्रेजों की दवाइयां खानी है, तो फिर ये सोचना है कि आप अब तक कितना पैसा अपने मुख्तलिफ इलाज मुआलजा के ऊपर खर्च कर चुके लेकिन आपको हासिल क्या हुआ। आइए उस तरीके इलाज की तरफ लौटिए जहां पे अल्लाह ने आपके लिए हर बीमारी की शफा नाजिल फरमाई, जिसके बाद किसी दवाई और परहेज की जरूरत नहीं रहती, उस तरफ आइए। लेकर मैं आपको चलता हूं, आइए अपने वीडियो लेक्चर में आज हम देखते हैं कि ये जो गिलर्ड ग्वाइटर है इसके बारे में हम आपको क्या पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और इसका इलाज कैसे। तो दोस्तों गिलर्ड ग्वाइटर जिसे कहा जाता है बहुत आम बीमारी होती जा रही है। गिलर्ड दरअसल गर्दन में मौजूद थायराइड ग्लैंड के बढ़ जाने का नाम है। अगर ये ग्लैंड हद से ज्यादा बड़ा हो जाए तो गर्दन में सामने की तरफ बहुत नुमाया हो जाता है और एक बड़े फोड़े या गिल्टी की तरह नजर आता है। गिलर्ड खवातीन में ज्यादा आम है, इसकी कई वजूहात हैं। थायराइड जिस्म का एक बहुत अहम ग्लैंड या वदूद है, इसकी सिक्रीशन या रतूबत इंसानी खून में शामिल होती है जो थायरॉक्सिन कहलाती है। इस ग्लैंड का जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर असर होता है। ये गर्दन में सांस की नाली ट्रेंकिया के बिल्कुल ऊपर वाक़े होता है और यहीं से खुराक की नाली भी गुजरती है, इसलिए इसके बढ़ जाने से सांस की दुश्वारी और खुराक निकलने में दुश्वारी होती है। इसकी दो रतूबतें होती हैं T3 और T4, उनमें थायरॉक्सिन या T4 बहुत अहम है। खून में ये प्रोटीन के साथ मिल जाता है और जिस्म में तकरीबन हर चीज पर असरअंदाज होता है, जैसा कि नशोनुमा, वजन, भूख, मिजाज, सर्दी या गर्मी लगना, याददाश्त, चुस्ती, फुर्ती, सुनना, देखना, जिल्द, हड्डियां और जोड़, पेट और आंतें, मर्दाना और जनाना खसूसियात। इसलिए इस ग्लैंड के रतूबात या हार्मोन की कमी और ज्यादती दोनों ही बीमारी का बायस बनते हैं। अलबत्ता हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारियां, इलामात और इलाज इसकी ज्यादती से होने वाली बीमारी से मुख्तलिफ है। मरीज को अमूमन 3 से 4 इलामात इकट्ठी शुरू हो सकती हैं, जो मैं आपको बताता भी हूँ और ये बतदरीज फिर बढ़ती चली जाती हैं। थायराइड ग्लैंड की रतूबात कम या ज्यादा हो सकती हैं, दोनों की इलामात और असरात मुख्तलिफ होते हैं। इसमें दोस्तों नंबर 1 है हाइपोथायरॉयडिज्म। आइए जरा देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी वो बीमारी जिसमें थायराइड ग्लैंड की रतूबत मामूल से कम हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ऑटोइम्यून या खुद
एजायत यानी किसी शख्स का अपने ही जिस्म का मादा इंतहा से ज्यादा हसास हो जाना जो आगे चलकर किसी बीमारी का बायस बनता है। नंबर दो, ग्लैंड में इंफेक्शन या दरमियानी उम्र की खवातीन में बहुत आम है। नंबर तीन, आयोडीन की कमी। और नंबर चार, मौरूसी भी समझा जाता है। आइए दोस्तों आप देखते हैं कि इसकी इलामात, इसकी सिम्टम्स जो हैं वो क्या है। इसकी नुमाया इलामात में थकन, सुस्ती, वजन बढ़ना, भूख कम लगना, सर्दी ज्यादा लगना, याददाश्त की कमजोरी, जाहिरी शक्लो सूरत की तब्दीली, डिप्रेशन, जहन पर बोझ महसूस होना, ऊंचा सुनना, गिल्लर नमूदार होना, आंखें सूज जाना, खुशक खुरदरे बाल, खुशक खुरदरी जिल्द, जोड़ों में दर्द रहना, पट्ठों में दर्द, कब्ज, खवातीन में अयाम हैज ज्यादा होना, पैरों की सूजन, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, दिल की धड़कन कम होना या आहिस्ता होना, सीने पर बोझ होना, हाथों की सोजश होना, जिस्म पर बाल कम होना, आवाज का भारी होना। अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी जो तशखीस है इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो करवाना जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों तशखीस में मरीज के खून में TSH का लेवल जो है वो चेक किया जाता है। अगर ये लेवल ज्यादा हो तो बीमारी मौजूद होती है। इसके अलावा T3 और T4 लेवल नॉर्मल से कम हो तो बीमारी की मौजूदगी कंफर्म हो जाती है। दूसरे लेबोरेटरी टेस्ट में खून की कमी यानी एनीमिया मौजूद होना, इलाज शुरू करने से पहले बाकी टेस्ट मसलन जिगर, गुर्दे और पेशाब का टेस्ट करवा लेना जरूरी है। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। यानी हाइपोथायराइड होने की सूरत में मरीज को तमाम उम्र डॉक्टर जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो उस पर लगा देते हैं, जो कि एक छोटी सी गोली की सूरत में मार्केट में दस्तयाब है। इसकी खुराक मरीज के T4 और TSH लेवल पर मुनसर है। अमूमी खुराक रोजाना 2 गोलियां हैं जो तमाम उम्र ली जाती हैं। दवा लेने के बाद तकरीबन 15 दिन में मरीज की इलामात पहले से बेहतर हो जाती हैं और इसके मूड में खुशगवार तब्दीली होती है। शुरू में 6 हफ्ते के बाद मरीज का खून का टेस्ट और ECG की जाती है। इसके बाद जब TSH लेवल नॉर्मल पर आने लगे तो हर 3 से 4 माह बाद और बाद में 6 माह बाद दोबारा टेस्ट किए जाते हैं। हाइपोथायरायडिज्म के तकरीबन 5% मरीजों में दवा के इस्तेमाल के साथ दिल की दर्द या एंजाइना हो जाना है। ये अक्सर थायरॉक्सिन दवा के इस्तेमाल के साथ होता है। अगर मरीज को पहले से दिल के दर्द की शिकायत है तो फिर इसकी दवा की मिकदार कम की जाती है या साथ में बीटा ब्लॉकर अद्वियात या दर्द की अद्वियात जो है वो भी दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि ये थायरॉक्सिन जो है इसका लगातार इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपके लिए हार्ट अटैक और बहुत सारे प्रॉब्लम और कुछ नहीं तो आपके पूरी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम और दिगर जो ग्लैंड वदूद है और उनमें जो सिक्रीशन होती है और उनमें जो गिवन टेक्स होती है, उनमें जो हार्मोन पैदा होते हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद है जी ग्वाइटर, गिलर या गिल्टी की मौजूदगी बहुत सी इलामात के बगैर भी परेशानी का बायस है क्योंकि ये गर्दन में बिल्कुल सामने नजर आता है, इसलिए उम्र खवातीन में बदसूरती की इलामत बन जाता है। शुरू में ये बगैर इलामत के होता है मगर वजन बढ़ने से यानी साइज बढ़ने से सांस लेने में दुश्वारी और खाना खाने में दुश्वारी का बायस बनता है। इसकी वजूहात में रुतुबात की कमी या ज्यादती के अलावा भी बस दूसरी वजूहात शामिल हैं, जैसा कि लड़कियों में सने बलूगत यानी बालग होने पर ये नॉर्मल से कदरे बड़े साइज का हो जाता है। हमल के दौरान भी इसका साइज बड़ा होता है मगर इस बीमारी की इलामात मौजूद नहीं होती। बाज़ औक़ात इसमें सिस्ट बनने से भी इसका साइज बड़ा हो जाता है। थायराइड की TB या तपेदिक अगरचा बहुत कम होती है मगर हमारे जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में बहुत से मरीज ऐसे भी आते हैं जिनमें थायराइड की TB मौजूद होती है। उसके अलावा थायराइड के कैंसर से भी गिल्लर बन सकता है, इसलिए गिल्लर की मौजूदगी की सूरत में फौरन माहिर तबीब मुआलज से रब्ता किया जाए ताकि मुकम्मल तिब्बी मुआयना के बाद मालूम हो सके कि गिल्लर की असल वजह क्या है, रूट कॉज क्या है।
अगर ये गिलरड हार्मोन की ज्यादती या कमी से नमूदार हुआ तो इसका इलाज दवा की सूरत में मुमकिन है। कैंसर की मौजूदगी में तो डॉक्टरों का ये कहना है कि सर्जरी और रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है। थायराइड या गिलरड बजायर देखने में कई इकसाम का हो सकता है। नंबर एक, फैला हुआ या डिफ्यूज। नंबर दो, एक छोटी गिल्टी जो गले के ऐन दरमियान में मौजूद हो, सिंगल नोड्यूलर। नंबर तीन, बड़ा गिलरड जो हाथ लगाने पर एक से ज्यादा गिल्टियां महसूस हों, मल्टी नोड्यूलर। 15 से 25 साल की उम्र में अमूमन फैला हुआ या डिफ्यूज गिलरड होता है। इसमें सांस की नाली या ट्रेकिया पर दबाव नहीं आता, जबकि T3, T4 और TSH का लेवल जो है वो नॉर्मल होता है। 35 से 55 साल की उम्र में अमूमन एक छोटी गिल्टी वाला या एक से ज्यादा गिल्टियों वाला गिलरड बनता है, जबकि सांस की नाली पर दबाव अक्सर नहीं होता। T3, T4 नॉर्मल, जबकि TSH में खराबी होती है। 55 साल से ज्यादा उम्र में गिलरड ज्यादा गिल्टियों वाला बनता है और सांस की नाली ट्रेकिया पर दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे सांस की दुश्वारी होती है। T3 T4 लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, TSH लेवल सही तौर पर मालूम नहीं हो सकता। दोस्तों, इन तमाम मसाइल का यानी गिलरड गॉइटर का, T3 T4 TSH वगैरह, हार्मोनल की डिस्टरबेंस, और अगर कम है तो डॉक्टर बाहर से दवाई खिला रहा है, अगर ज्यादा है फिर भी दवाइयां खिला रहा है, और बेशुमार मसाइल जो है वो लोगों के साथ बने हुए हैं। जिंदगी अजीरन और दाव पे लगी हुई है। एक दफा आप दुनिया में आए और एक ही दफा आपको ये जिंदगी मिली है, इसको बीमारियों के साथ और दवाइयों के साथ गुजारना ये कहां की दानिशमंदी और अकलमंदी है, जबकि अल्लाह ने आपके घर में कुरान में बड़ी वाज़े आयात रहनुमाई फरमा दी हुई है। लेकिन हम उस तबीब का इंतखाब करने से बहुत झिझकते हैं, डरते हैं और सोचते रहते हैं, जिसको अपनी दवाइयां खुद बनानी आती हैं, जिसको इलाज खुद करना आता है, जिसको तशखीस करनी आती है, जिसको गजा का पता है, जिसको परहेज का भी पता है, और जो ठीक कर सकता है, आपको दवाइयों से निजात दिला सकता है, उसकी तरफ जाते हुए हम हेजिटेट होते हैं और वो दवाइयां बड़े शौक से लाकर फक्के मार रहे होते हैं, जो गुर्दे फिल करती हैं, जो जिगर खराब करती हैं, जो मेदे के अंदर अल्सर तजाबियत एसिडिटी बढ़ाकर मेदे के कैंसर तक ले जाती हैं, आंतों के अंदर कैंसर बवासीर का बायस बनती हैं, आंतों के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस का बायस बनती हैं, कब्ज का बायस बनती हैं, या फिर वो आपके लिए जो है वो बवासीर पाइल्स का बायस बनती हैं, हेमोराइड हो जाता है, हम उस तरीका इलाज के ऊपर जिंदगियां दाव पे दबा जो है वो लगा कर बैठे हों। सो इसलिए अल्लाह ताला के निजामे सेहत की तरफ, तिब्बे नबी तिब्बे कुरानी जो हमारा इस्लामी निजामे सेहत है, जिसके अंदर जिन चीजों में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, उन तरीका इलाज की तरफ और उन मुआलजीन का इंतखाब करिए, उन तबीब का इंतखाब कीजिए, उनसे अपना इलाज करवाइए ताकि आपको बीमारियों से निजात मिल सके, आप भी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी पर वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही बस में मैलवी में अपने तबीब अपने मालिज हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैलवी को इजाजत दीजिए। फीडबैक देना ना भूलिए, आपके सामने टीवी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है, आप उन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, आप उन नंबरों पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी राय से भी नवाज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको दूसरों को शेयर भी करें। सदका जारिया है, अल्लाह हम सबका आमीन आसीन।